हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे उत्तरायण स्पेशल तल की चिक्की की रेसिपी। तो ये चिक्की बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, तो बाजार जैसी ही तल की चिक्की आप घर पर बहुत ही आसानी से क्रिस्पी और पापड़ जैसी पतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले तो तल की चिक्की बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें एक कप गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर लिया है, जिससे हमारा गुड़ आसानी से पिघल जाएगा। तो अब जब तक हमारा सारा गुड़ अच्छी तरीके से पिघल नहीं जाता, तब तक इसे इसी तरीके से चलाते जाएंगे। तो सिर्फ घर में ही रही दो चीजों से ये चिक्की बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारा गुड़ सारा अच्छी तरीके से पिघल चुका है। तो यहाँ पर आपको चिक्की बनाने के लिए सिर्फ गुड़ को पिघलना ही नहीं है। अब जब तक हमारा गुड़ अच्छे से हल्का सा कलर ट्रांसपेरेंट ना कर दे, तब तक इसे इसी तरीके से चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर में हमारा गुड़ का हल्का सा कलर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अभी भी हम इसे एक मिनट के लिए और चलाते जाएंगे और करीबन फिर से एक मिनट जितना हो चुका है। तो अब हमारा गुड़ चिक्की बनाने के लिए परफेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़े से छींटे इस तरीके से हमारे गुड़ के डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा गुड़ इस तरीके से पानी में तलिए चिपक जाता है और इस तरीके से कांच जैसा हमारा गुड़ हो चुका है, यानी कि चिक्की बनाने के लिए हमारा गुड़ बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें एक कप जितने सिके हुए तिल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल को अच्छी तरीके से पहले 2 से 3 मिनट तक सेक कर तैयार कर लिया था। तो अब सारे तिल को हम गुड़ के साथ अच्छे से मिला देंगे। तो ये प्रोसेस करने में आपको थोड़ी सी जल्दी रखनी है, वरना हमने जो गुड़ बनाकर तैयार किया था वो हार्ड होने लगेगा। तो सारे तिल को अच्छी तरीके से हम तिल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे तिल को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चिक्की बनाने के लिए हम किचन सरफेस पे थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल डालकर इसे अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे और साथ ही हमारे बेलन पे भी हम थोड़ा सा तेल या फिर घी लगाएंगे। अब दोनों में से जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और अब हमारे तिल और गुड़ के मिश्रण को इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और अब हम हाथों पे हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा अच्छी तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने इसे हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा गोल शेप दिया है। अब हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो आप जितनी पतली बेल सकते हैं उतनी पतली आप बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम किनारी को थोड़ा सा सेट करते जाएंगे और अच्छी तरीके से हमारी चिक्की को बेलकर तैयार करेंगे। तो ये प्रोसेस करने में भी आपको थोड़ी सी जल्दी रखनी है, ताकि हमारी चिक्की हार्ड ना हो जाए। और इस तरीके से बेलने के बाद तुरंत ही हम इसमें कट लगाएंगे। यदि मिश्रण ठंडा होने के बाद आप कट लगाएंगे तो अच्छी तरीके से आपकी चिक्की कट नहीं होगी। तो थोड़ा सा मिश्रण हल्का सा गर्म हो तभी आपको इस तरीके से कट लगाकर तैयार करनी है। और इस तरीके से कट लगाने के बाद तुरंत ही हम इसे हमारा मिश्रण हल्का सा गर्म हो तभी इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर से अलग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बहुत ही आसानी से हमारी चिक्की इस तरीके से अलग हो चुकी है। तो अब सारे पीस को हम इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर में हमारा मिश्रण जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये चिक्की बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी ये चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और ठंडी होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी आपकी ये चिक्की बनेगी। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।